हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का डे स्टार्ट हुआ मेरा और मैंने जो है वो ब्रेकफास्ट आज रिकॉर्ड नहीं किया। और ब्रेकफास्ट के बाद सबसे पहले ये जो कड़ी जो है ना फ्रीज़ कर दी थी, इसको निकाल के रखा बाहर ताकि ये डिफ्रॉस्ट हो। और इस तरह सुबह से निकाल के रख दो ना तो डिफ्रॉस्ट हो जाती है, मतलब मेल्ट हो जाती है। फिर शाम को मम्मा ने गर्म करने रख दी थी और उसके बाद मैंने किचन क्लीन किया। और पीछे मैंने आपको रूम दिखाया जो हमने कल क्लीन किया था, वो मैंने आपको दिखाया नहीं था कल क्योंकि इतना एग्जॉस्ट हो गए थे ना हम लोग, थक गए थे गर्मी की वजह से। तो मैंने आज आपको दिखाया। अभी भी ये काउंटर जो है वो थोड़ा सा मैसी हुआ हुआ है क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट ही किया था इस टाइम पे, तो क्लीन करते हैं उसके बाद। और यहाँ पे जो मिस्टर अली है ना, उन्होंने आज ब्रेकफास्ट नहीं करना था, मैंने बताया, वो थोड़ा पिकी हीटर है। तो बस मम्मा ने ना उसको फिर लस्सी बना के दी और साथ में ये फोर डेट्स दे दी थी। और लस्सी भी मुझसे नहीं बनवाता, कहता मम्मा बना के दे क्योंकि मम्मा ना उसमें आइस ज़्यादा डालती हैं और फिर वो क्रंची क्रंची सी लस्सी बनती है ना, वो इसको पसंद है। मैं बनाऊँ ना तो मैं कम इसको आइस डाल के देती हूँ। तो बस उसके बाद फिर मैंने किचन क्लीन किया और उसके बाद हमारी चली गई थी लाइट। अच्छा, आज हमने करना था ये वाला जो रूम है ना, ये रूम क्लीन करना था, ड्राॅइंग रूम हमने, लेकिन फिर लाइट चली गई। और ना बस जो प्लान करो ना वैसा बहुत कम ही होता है। तो बस यहाँ पे देखें 5:15 का टाइम हो रहा है और हम लोग वेट ही कर रहे थे। खैर ज़्यादा नहीं गई थी, थोड़ी थोड़ी लाइट जाती है हमारी, ज़्यादा लाइट नहीं जाती। तो आई थिंक कि ज़्यादा से ज़्यादा ये हाफ आवर की लाइट गई थी जितना मुझे याद पड़ रहा है। और फिर उसके बाद मैं अपना काम कर रही थी तो साथ साथ मैंने देखा कि मेरा लैपटॉप बहुत ही ज़्यादा डस्टी हो रहा है और पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, इसके अंदर डस्ट जो है ना वो अब नज़र आने लगी है मुझे। ऊपर से साफ़ कर रही हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं हुआ है अभी भी। और यही सबसे बेस्ट तरीका है कि ये जो क्यूटिप होती है ना इसके साथ इसको क्लीन करती हूँ मैं, लेकिन अभी भी ये सही से क्लीन नहीं हुआ है। ये देखें, इधर कैमरा में तो लग रहा है कि काफ़ी क्लीन हो गया, पहले से बेटर लग रहा है। और ये मेरा प्यारा सा वॉलपेपर, मुझे बड़ा पसंद है ये वॉलपेपर, मैं चेंज करती हूँ वापस से यही लगा लेती हूँ। अच्छा, उसके बाद हम ये है हमारा वॉशिंग एरिया जो गैलरी के कॉर्नर पे है, मैंने पता नहीं दिखाया है कभी कि नहीं। हम लोग करने लगे थे आउटर की सर्विस क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट यहाँ पे आती है, मैंने बताया था लास्ट व्लॉग में भी। तो बस इसकी हमें सर्विस इस तरह करनी पड़ती है और इसके चक्कर में ना इसके साथ साथ हमारी ये जो स्टेयर्स है ना ये भी क्लीन हो जाती है। देखें आउटर में से कितनी ज़्यादा मिट्टी निकली है। और यहाँ पे ना हमने जब ये थोड़ा सा काम करवाना था वायरिंग का, तो जो इलेक्ट्रिशियन साहब है ना वो इसको खुला छोड़ के चले गए थे, ये बोर्ड को ना उन्होंने बंद नहीं किया। अब वो खुला रहा, हमने भी बंद नहीं किया, तो उसमें ना बर्ड ने नेस्ट बना लिया। और ये इतनी प्यारी बर्ड है, ये यहीं रहती है, इसने यहाँ पर ना अंडे भी दिए थे और ये यहीं रहती है, हम इसको हटाते भी नहीं हैं। और उसके बाद देखें यहाँ पे कितनी अच्छी स्टेयर्स क्लीन भी हो गई हैं। वो नीचे कॉर्नर में पता नहीं किसकी वॉशिंग मशीन रखी हुई है, आई थिंक किसी ने इसको देना है निकालना है, इस वजह से नीचे रख दी है। और उसके बाद ये देखें क्लीन हो गया है, सारा वॉशिंग एरिया भी क्लीन कर दिया था। अच्छा, वॉशिंग एरिया पर ना पहले जब वो वाली मैनुअल वाली मशीन थी ना तब ये खाली था, लेकिन जब से ऑटोमेटिक मशीन रखी है ना तब से हमारा जनरेटर भी यहीं रखा हुआ है। और ये एक टैंक रखा हुआ है यहाँ पर जिसमें हम ना पानी सेव करके रखते हैं फॉर अर्जेंट यूज़, कभी अगर पानी ख़त्म हो जाए और हमें ज़रूरत पड़े। उसके बाद फिर हम लोगों ने खाना खाया, खैर आज प्लान किया था रूम क्लीन करने का लेकिन वो नहीं हो पाया। और उसके बाद फिर ये हम लोगों ने तो कड़ी ही खानी थी आज। और अली साहब को मैंने आपको बताया कि अली को जो है ना वो कड़ी बिल्कुल नहीं पसंद, तो उसके लिए यहाँ पर ये सब फ्राई हो रहा था, 3 नगेट्स और ये 2 कबाब जो है ये खा रहा था, बर्गर पैटी। तो उसके लिए दुआ जो है वो बना रही थी यहाँ पे सैंडविचेस, 2 सैंडविचेस उसने बोला मुझे बना दो। और हम लोगों ने तो कड़ी खाई आज, लेकिन हम लोगों ने भी फिर रात को यही चाय के साथ थोड़े से स्नैक्स वगैरह बना लिए थे, थोड़ी फ्राई कर लिए थे नगेट्स वगैरह। बल्कि ये देखें ये आ गया है चाय का टाइम, रात का चाय चढ़ाई थी मैंने और उसके साथ मैंने यहाँ पे हम लोग खाना वगैरह खा चुके थे, रात का टाइम है ये थोड़ा। और फिर ये देखें यहाँ पे मैंने किचन क्लीन किया फटाफट से, जितनी देर में किचन क्लीन किया ना उतनी देर में चाय बॉयल हो गई। और चाय बॉयल होने के बाद फिर हमने अपने नगेट्स वगैरह फ्राई किए, मम्मा ने, सुंबुल ने और मैंने नगेट्स फ्राई किए। उसके बाद
और हम सुम्बुल ने और मैंने ना इसका सैंडविच बनाया था, वो मैं आगे दिखाती हूँ आपको। और मम्मा ने जो है वो इसी तरह नगेट्स सादे चाय के साथ खाए थे, लेकिन मम्मा ने ना अपनी ब्रेड पे फिर बटर लगा के चाय के साथ खा लिया था। और यहाँ पे चाय भी रेडी हो गई है। मम्मा, सुम्बुल और मैं, हम तीनों चाय पीते हैं और यहाँ और साथ में मम्मा के नगेट्स रखे हुए हैं। सुम्बुल अपना सैंडविच लेके जा चुकी थी और ये मेरा सैंडविच रखा हुआ है और मम्मा के दोनों ब्रेड रखी हुई है। और उसके बाद ये अभी थोड़ी देर पहले का ये है क्लिप है, अली दुआ दोनों आर्ट करने बैठे हुए, तो ये जेट बनाया है दोनों ने और दोनों की आर्ट बहुत प्यारी है माशाल्लाह। और अली ने तो मम्मा से रेटिंग भी लिया, कहता मम्मा इसको रेट करें, मम्मा ने 10 out of 10 रेट किया। और बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। और आज का व्लॉग मैंने अभी लास्ट में टाइम भी दिखाऊंगी आपको, मैंने 1 बजे रात के आज का व्लॉग एंड किया और उसके बाद मैंने फ़ौरन बस एडिट करने लगी हूँ मैं। और बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलूँगी आपसे कल के व्लॉग में इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। I wanna do what you want to